मणिपुर में जिला मंडी के पुंडो गांव का इंद्र सिंह शहीद हो गया। 35 वर्षीय इंद्र सिंह असम राइफल में वर्ष 2003 से मणिपुर में ही तैनात था। आज सुबह गश्त के दौरान नक्सलियों द्वारा बिछाए गए माइंस पर पांव रखने से हुए धमाके में इंद्र सिंह शहीद हो गया। इंद्र सिंह के साथ एक अन्य जवान भी शहीद हो गया। सुबह करीब 7 बजे घटी इस घटना की जानकारी परिजनों को 9 बजे दी गई। शहीद का शव पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया है। घर पर शहादत की सूचना मिलते ही पूरा परिवार गम में डूब गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद इंद्र सिंह के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। शहीद का एक भाई और दो बहनें हैं। शहीद अपने पीछे 29 वर्षीय पत्नी इंदु, 7 वर्षीय पुत्र उदय सिंह और बूढ़ी माँ को छोड़ गया है। बताया जा रहा है कि शहीद का पार्थिव शरीर बुधवार तक पैतृक गांव पहुंचा दिया जाएगा। परिजनों को अपने वीर सपूत की शहादत पर तो नाज है, लेकिन नक्सलियों द्वारा आए दिन किए जा रहे ऐसे कारियाना हमलों को लेकर भारी आक्रोश भी है। परिजनों ने सरकार से नक्सलवाद पर ठोस कार्यवाही करने की मांग की है, ताकि आए दिन शहीद हो रहे देश के वीर सपूतों को ऐसे हमलों से बचाया जा सके। शहीद इंद्र सिंह जून महीने में छुट्टियां काटने घर आया था और जुलाई महीने में वापस ड्यूटी पर लौट गया था। बीती रात को ही शहीद ने अपने परिवार वालों से फोन पर बात की थी और अपनी खैरियत के बारे में बताया था, लेकिन सुबह तक परिजनों को कुछ और सूचना प्राप्त हुई। परिजनों ने सरकार से पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द पहुंचाने की गुहार लगाई है। ये तो हम सब के लिए इस टाइम तो फिलहाल दुखद घटना है। चलो एक गौरव की बात भी है कि देश की शहादत के लिए उन्होंने भी शहादत कुर्बान दी। नहीं, ये तो काफी स्ट्रांग माइंड से, काफी कॉन्फिडेंस था इनमें और बहुत फिजिकली फिट थे और बेसिकम काफी, जैसे मैं इसका मामा हूं, हम भी फौज में है मैक्सिमम, और मेरे भांजे 5-6 जो है फौज में है, तो फिजिकली बहुत फिट था और अच्छा इसका नेचर था। कोई नशा नहीं करता था, कोई कुछ नहीं करता था। नहीं, इनको तो जैसे मैं तो खुद डिफेंस में रहा हूं कि इनको जवाब जो है बिल्कुल कड़ा देना चाहिए, कड़ा इन द सेंस कि इसके ऊपर काफी स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए कि इनका, ताकि ये ऐसी वारदात आगे को ना हो। गांव वाले सकते में है और मैं एक आपके माध्यम से एक थोड़ी सी बात रखना चाहता हूं। ऐसे नक्सलाइड हमले पहले भी हुए, कई हमारे जांबाज उसमें शहीद हुए। बात वही आती है, जब ज्यादा संख्या में शहीद होते हैं तो सरकारें बड़ा हल्ला डालती है, हम ये करते हैं वो करते हैं। जब एक या दो शहीद होता है तो उसकी सूचना भी बड़ी लेट लतीफ तरीके से जो है घर वालों को दी जाती है।